दोस्तों नमस्कार, मैं रमू सिंह विधायक देवराज सिंह गिरफ्तार। देवराज सिंह भाजपा के विधायक हैं, एमपी में भाजपा की सरकार है, तो भाजपा विधायक देवराज सिंह को गिरफ्तार करने के पहले किसने परमिशन दी? गृहमंत्री ने या वन मंत्री ने? क्योंकि सरकार होने के कारण बिना बड़े नेताओं से पूछे पुलिस कैसे गिरफ्तार कर सकती है। इस गिरफ्तारी में पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला को कोई राजनीतिक लाभ मिल सकता है क्या? अगर ऐसा है तो फिर उनकी भूमिका भी मानी जा सकती है। रीवा राजघराने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उमरिया जिले के बांधवगढ़ से जुड़ा हुआ है। बांधवगढ़ में प्राचीन भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बना हुआ है। यह मंदिर साल में एक बार, सिर्फ एक बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी को आम जनता की पूजा के लिए, वह भी चंद घंटों के लिए खोला जाता है। इस वर्ष हिंदुत्व की भाजपा सरकार, हिंदुत्व की शिवराज सरकार के वन विभाग ने इस मंदिर को जन्माष्टमी पर खोलने पर पाबंदी लगा दी, रोक लगा दी है। रीवा राजघराने के वारिस सिरमौर से भाजपा विधायक देवराज सिंह समर्थकों के साथ पहुंच गए मंदिर पूजा करने। पुलिस ने भाजपा विधायक देवराज सिंह को समर्थकों सहित गिरफ्तार कर लिया है। इस बात को लेकर क्षेत्र में तनाव और आक्रोश की स्थिति व्याप्त हो रही है। एक तरफ भाजपा मंदिर बनाने की बड़ी बड़ी बातें कर रही है, दूसरी तरफ प्राचीन मंदिरों की पूजा पर प्रतिबंध लगा रही है। यह दो मुही बातें क्यों सामने आ रही हैं?